हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग स्ट्रीट इन द हैक ट्रेनिंग। आज हम बात करने वाले हैं मेटास्प्लॉइट के बारे में, पर मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताना चाहूंगा। मेटास्प्लॉइट वाकई में एक खतरनाक टूल है। अगर आप इस टूल का गलत यूज करते हैं तो आप पकड़े भी जा सकते हैं या फिर आपको जेल भी हो सकती है। आप तब तक अपने टारगेट पर अटैक नहीं कर सकते जब तक आपके पास अपने टारगेट पर अटैक करने की रिटन परमिशन ना आ जाए, क्योंकि एथिकल हैकर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर को हैक करने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक से रिटन में परमिशन लेते हैं, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। सो प्लीज गाइज, डोंट बी मैलिशियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटास्प्लॉइट को एचडी मूरे ने 2003 में बनाया था। एचडी मूरे एक एक्सप्लॉइट राइटर और वल्नरेबिलिटी रिसर्चर हैं, जिन्होंने काफी ब्राउजर के अंदर बग निकाले थे, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, और तो और इन्होंने कर्नल और वाईफाई ड्राइवर तक में बग को निकाला था, जिसकी वजह से ये टॉप हैकर्स की लिस्ट में आ गए थे। मेटास्प्लॉइट को पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसको सबसे पहले पल प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाया गया था, लेकिन 2007 में इसको रूबी के अंदर डेवलप कर दिया गया। 21 अक्टूबर 2009 में मेटास्प्लॉइट प्रोजेक्ट को रैपिड 7 ने खरीद लिया। मेटास्प्लॉइट बहुत पावरफुल टूल है। इसको कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था। इस टूल के थ्रू आप किसी भी नेटवर्क या कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। इसी टूल के थ्रू बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हैक हुई हैं, जैसे कि गूगल, इंफोसिस, IBM, फेसबुक और जीमेल। जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैक हो सकती हैं, तो आप समझ सकते हैं इसकी पावर के बारे में। मेटास्प्लॉइट के काफी सारे एडिशंस हैं, जिसमें से कुछ फ्री और कुछ पेड हैं, जैसे कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एडिशन, मेटास्प्लॉइट कम्युनिटी एडिशन, मेटास्प्लॉइट एक्सप्रेस, मेटास्प्लॉइट प्रो, आर्मिटेज, कोबाल्ट स्ट्राइक। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से मेटास्प्लॉइट का यूज किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।